अच्छा राम जी वही कैमरा से उधर बूम बूम उठाओ बूम कर रहे थे ना उधर ही ठीक रहेगा भैया वही ठीक है फोटो भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा विजुअल भी दिया होता नहीं थैंक यू कौन सर हां नारियल ऑयल फोड़ना था तो वो कर लेते ना पंडित जी कहां बनी पहले बुकवा दी तो फर्स्ट सही है ना थैंक यू भैया थोड़ा सा ऐसे हो जाइए ऐसे दे दीजिए ना सर एक बार इस कैमरा में देख लीजिए भैया मनोज भैया मनोज सर देखिए राम भाई बूटे ना अरे रहने दीजिए पैकिंग ठीक है सर वो पकड़ भी लीजिए उनसे देखिए बिना दाढ़ी और बनाए भैया इकट्ठा होगा हमसे सर पहुंच इनको एक दे दो और घर होगी बेटी से होगी सर चलो ठीक है भैया तो लेना राजेश भैया राजा भैया
कलकत्ता से आ रहा बानी जहाँ भैया हमारे रह लें। ये हैं हमारे एमके सिंह जी, बड़े भैया बहुत खुशी और बहुत उमंग के साथ ये फिल्म बना रहे हैं, तो ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत खुशी की बात है। 20 दिन से एकदम हालत खराब हो गई बात, जिसे हंसा नहीं तो लगा था रोत है। 20 दिन हो गया सोए हुए एकदम, और बहुत ही एक खुशी की बात मैं बता दूं आप लोगों से कि हमारे बड़े भैया और बहुत पहले हमें फिल्म के लिए रानी भैया के साली ओढ़निया वाली, जिस समय में वो फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म को डायरेक्शन किए थे हमारे बड़े भाई प्रिमांशु जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है। जिस समय वो फिल्म रिलीज हुई थी बहुत बढ़िया कलेक्शन उठौले रहे वो फिल्म, और मैं आज ये बात बता दूं कि हमार इनके भैया ये फिल्म बना रहे हैं और दूसरी फिल्म जो बनेगी वो अगले ईद पे आएगी और उस फिल्म को डायरेक्शन करेंगे हमारे प्रेमांशु जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपको लेकिन ये मेरा दिल बोल रहा है, जो हमारे मास्टर जी फिल्म को बनाएंगे दूसरी फिल्म जो हम लोग अगले साल ईद पे आएंगे हिमांशु भैया के साथ, कुछ अलग धमाल सर। एक लोग राम दो सर थोड़ा सा सुनी सुनी उससे थोड़ा ना वो आपने किया हो मत छोटा सा। हाँ हाँ भैया बिक्री भैया कब आएगा? हाँ Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.